इशू, मैंने तुम्हें ये सिखाया है विक पढ़ने को? अमन ने मुझसे बार बार बोला है कि मुझे गलत फहमी हो रही है। उन्होंने बोला कि मुझे पूरी बात नहीं पता। अगर मुझे पूरी बात नहीं पता तो पूरी बात क्या है? पूरी बात क्या होगी? उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा, नहीं सफाई नहीं दी। मैं ही नहीं कह रही कि वो गलत नहीं है, लेकिन अम्मा कुछ वादे उन्होंने तोड़े हैं। नहीं, कुछ वादे मैंने भी तो किए। उसकी पत्नी होने के नाते एक दोस्त होने के नाते मेरा तो फर्ज है ना कि मैं पता करूं कि वो क्या बात है। उनको सफाई देने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। हो सकता है मैंने नहीं देखा हो पूरा सच, हो सकता है गुस्से में मैंने कुछ अनदेखा कर दिया, वो तो गलत होगा ना अम्मा। एक मौका तो मिलना चाहिए सफाई का। अम्मा, पैटर्निटी टेस्ट के रिपोर्ट्स आपने खुद देखी? ले ले, है ना अम्मा, रिपोर्ट अगर नहीं देखी है हो सकता उस रिपोर्ट में कुछ और हो। हम इतने शोर कैसे हो सकते, किसी के शब्दों पे कैसे जा सकते हैं आप? वो टेक्नीशियन ने अगर कुछ गलत बोला होगा तो हो सकता है कि कोई गलत फहमी हुई हो या मेरी सब मिक्सअप। नो अम्मा, किधर जा रही है? मैं जा रही हूँ अभी, अभी अभी मिडनाइट है, मुझे जाना है, रिपोर्ट देखना है। कौन होगा इशू? मैं तुम्हारे साथ आती है। इशिता, इतनी रातों कितनी चली पुत्र? मम्मी जी, मैं रमन की पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट देखने जा रही हूँ, वो देखे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। संतोषी, मैं भी जाती है इशू के साथ, मैं उसको अकेले नहीं छोड़ूंगी। ऐ बिचारी, कितनी पागल वाली हालत बना दी है रमन ने इसकी, हम सबकी भी नींदें उड़ा दी है। मम्मी जी, मैं कुछ कहूं? हमें ना इस माहौल से बच्चों को दूर रखना चाहिए, ये सब बातों का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और अगर वो यहाँ रहेंगे तो आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। गलत है तेरी, ठीक है सारिका, पर की कीता जाए। मम्मी जी, मेरी ना एक दोस्त है, वो जिस होटल में पार्ट टाइम जॉब करती है ना, वहाँ कल से ना किड्स कैंप शुरू हो रहा है। अगर हम रूही और आदि को वहाँ भेज दें तो वहाँ नई नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी उसे। हाँ, ये भी ठीक है, चल फिर ले जा बच्चों को कल सवेरे। सुबह क्यों मम्मी जी, मैं अभी ले जाती हूँ उन्हें। अभी? सारिका, तुम पागल होगी हो, इतनी रात को तुम बच्चों को लेके कहाँ जाओगी? मेरी जो दोस्त है ना, उस होटल में उनको एक रूम दिया जाता है इमरजेंसी के लिए। मैं उसे फोन करके पूछ लेती हूँ, अगर सब कुछ सही है तो फिर आदि और रूही को ले जाती हूँ, वो कल सुबह से ही ज्वाइन कर लेंगे। चल ठीक है, ले जा। पर इशिता भाभी आएंगी तो उन्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा ना? नहीं नहीं, तू भी चिंता ना कर, उससे मैं गल कर लूंगी। बस तू जरा रूही और आदि का ध्यान रखी चंगी तरह, ठीक है पुत्र? हाँ जी। देखिए, आप मेरी बात समझ, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते डॉक्टर मनोज। उस औरत को रूही अरोड़ा या शगुन अरोड़ा, जो भी नाम है उसका, उसको अभी इसी वक्त इस बिल्डिंग से जाना पड़ेगा। आप लोग मेरी बात तो समझिए। आप सुनिए डॉक्टर मनोज, इस बच्चलन औरत को हम इस बिल्डिंग में नहीं रहने दे सकते। जवान, संभाल के बात कीजिए आप। आप जानते हैं कितना उसे जो ऐसे बात कर रहे हैं उसके बारे में? इतना सब कुछ सुनने और देखने के बाद अब और क्या जानना बाकी है? वो औरत यहाँ नहीं रह सकती, बस। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने। वो औरत हमें बिल्डिंग में नहीं चाहिए। अरे से और कितना टाइम लगेगा? मैडम, एक तो आप अभी आधी रात को आए हो, इस वक्त कोई भी हॉस्पिटल आपको रिपोर्ट नहीं देगा, हमारा लैब टेक्नीशियन आप ही का काम कर रहा है, प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए।
तुम रमन के पास वापस नहीं जाएगी, कभी नहीं, नेवर। मुझे जवाब चाहिए शगुन से, अब फिर इसी वक्त। ये सोसाइटी शरीफ लोगों के लिए है, जाओ यहाँ से। लेकिन मैं आधी रात को कहाँ जाऊंगी, प्लीज ट्राई ना। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी के घर में घुस के उसे कैसे निकाल सकते हैं? क्यों? अपने होने वाले बच्चे के बाप के घर पे क्यों नहीं चली जाती? बोलो, कौन है तुम्हारे बच्चे का पिता? बोलती क्यों नहीं? अरे इसे पता होगा तो बताएगी ना, इसे तो खुद पता नहीं कि इसके बच्चे का बाप कौन है, इसीलिए तो चुप है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं तुम्हें इनसे कुछ पूछने का हक है। आपको भी इस तरह से हमसे बात करने का कोई हक नहीं बनता। आप ये बताइए, आप इस औरत के साथ किस हक से रह रहे हैं? कौन लगती है ये आपकी बीवी? तुम इस बिल्डिंग में नहीं रह सकती। नाउ जस्ट गेट आउट, जल्दी जाओ यहां से। शगुन के होने वाले बच्चे का बाप मैं हूं। मिल गया आप लोग का जवाब, और अब इसे अपने साथ ले जा रहा हूं अपने घर। इशिता ना जा बुतल, इशिता, मैं रमन के ऊपर इस घर के दरवाजे बंद कर सकती हूँ, मगर तू ना जा, तू मेरी बेटी इशिता, ना जा। इशिता इस घर में रहने का हक सिर्फ तुझे है यार, तू क्यों जा रही है? बुतल ये तेरा घर है, तुझे कोई लोड़ नहीं है यहाँ से जाने की। मंदु तू इसे रोक लेना, इसको ना लेके जा। आंटी अब क्या रह गया, रमन के पास कोई जवाब नहीं है, उल्टा वो इशू को ही सुना रहा है, मैं किस मुँह से उसे यहाँ रहने दे सकती? इशिता, इशिता रुक जा, इशिता। खबरदार जो तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया, आज तो तूने बेगैरती की सारी हदें पार कर दी, पर मैं तैनू आज इस घर की चौखट पार करके अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। तेरी इतनी जुरत कि इस औरत को लेके तू यहाँ आ गया? बेगैरत, तुझे अपने मनमानी करनी है तो कर, पर मैं इस औरत को घर के अंदर नहीं आने दे सकती। पानी दीजिए मम्मी जी, इसका तो पूरा हक बनता है इस घर में रहने का। इसके पेट में रमन का बच्चा जो है। सही कहा, शगुन के पेट में मेरा बच्चा है। मेरा और तुम्हारा। शगुन मेरी और इशिता के होने वाले बच्चे की सरोगेट मदर है। शगुन रमन, ये तू क्या कह रहा है? सही कह रहा हूं पापा, शगुन इसे और मेरे लिए इस बच्चे को जन्म देगी। उस बस वाले इंसिडेंट के बाद
जब तुम्हारा मिस कैरेज हुआ था तो डॉक्टर मनोज ने कहा था कि सरोगेसी आखिरी चारा है, हमें हमारा बच्चा मिल सके। तो उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने किया, लेकिन जो कुछ किया सीता हमारे बच्चे के लिए किया, तुम्हारे लिए किया। सीता तुम्हारा और मेरा अपना बच्चा शगुन के कोख में पड़ा। I don't believe this, Rama. तुम्हें पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला, यही औरत मिली इस काम के लिए? अरे कोई भी रेडी हो जाता है ये करने के लिए, पैसों के लिए या इंसानियत के लिए? पैसों के लिए बहुत औरतें करती हैं। मिली थी एक औरत जो पैसों के लिए करना चाहती थी, फ्रॉड थी, बीमारी थी उसे, हम अपना बच्चा खो देते अगर शगुन हमारी हेल्प नहीं करती तो। शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका और कोस रहे हो आप लोग उसे। एक बार तो सोच लिया होता रमन कि इशिता ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसका बच्चा शगुन के पेट में पले। दुनिया की कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, भावे वो कितनी पढ़ी लिखी कितनी आजाद ख्याल ना हो, वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बच्चा उसके पति के पहली बीवी के पेट में पले। और ये औरत जिसके ऊपर आप एक पल के लिए भी भरोसा नहीं कर सकते, ये तूने क्या किया? जिसे आप ऐसी औरत कह रही है ना, यही औरत है हमारी मदद करने, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी, मेरे लिए कुछ करना चाहती थी, हमारे लिए करना चाहती थी, और आज उसके पास हमारे सिवा और कोई नहीं है। इसलिए जब तक इशिता और मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, शगुन इसी घर में रहेगी। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कान खोल कर सुन ले रमन, शगुन के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। भाई आप इस औरत पे कैसे भरोसा कर सकते हो? इसने हमेशा कांड किए, नई नई प्लानिंग की आपको नीचे दिखाने के लिए, इसने हमेशा रंग दिखाए। भाई प्लीज, तेनु चंगी तरह पता है रमन कि जब जब ये औरत इस घर में आई है इस घर का बुरा ही हुआ है। अरे जो अपने बच्चों की नहीं हो सकी वो तेरी और इशिता की कैसे हो सकती है रमन? तू इसे चंगी तरह जानता है फिर भी, और तू क्यों कर रही है तू ये सब कुछ इस घर में वापिस आने के लिए? ना बस कीजिए आप लोग, शगुन प्रेग्नेंट है, सबके साथ उसके पीछे पड़ गए हो। माँ आप कहती ना अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो आप लोग को नजर क्यों नहीं आ रहा कि ये वो शगुन नहीं है, बदल चुकी है? सिमी मानता हूँ कि इसने मेरे साथ हमेशा गलत किया है, सबसे ज्यादा असर मुझ पर हुआ इसकी हरकतों, लेकिन मुझे बदलाव नजर आ रहा है। शगुन पछता रही है उसने जो किया हमारे साथ, हो सकता है उसका प्रायश्चित हो। माँ मौका तो दो उसे। मैंने ऐसा ना कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ इतना पता है तू बच्चे के पीछे अंधा हो गया है, पर हम अंधे नहीं हुए। ये औरत जब जब इस घर में आई है इस घर का बुरा हुआ है, ये औरत इस घर में नहीं रहेगी। इशिता वो गॉड से कुछ बोलो, से समथिंग, ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारे लिए हो रहा है, मैं तुम्हें वो खुशी देना चाहता था, इसलिए मुझे तुमसे अकेले में बात करनी, प्लीज एक मौका दो तो प्लीज। बोलो किस बारे में बात करना चाहती हो, कि कैसे मुझे जबरदस्ती बच्चा गिफ्ट किया जा रहा है? मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी ना, मुझे तो मालूम था कि मैं मां नहीं बनने वाली हूं, पर क्यों जबरदस्ती वो इस शगुन के साथ में रमन? उसके साथ क्यों? इश्ता मेरे पास उस वक्त कोई चारा नहीं था, हम हमारा बच्चा खो देते यार। I'm sorry. रमन ये सब प्लीज मत बोल मुझसे, ऐसा नहीं कि आपसे ये सब अचानक में हो गया, सोची समझी साजिश थी ये। It was all thought of in prior. आप बताओ, आपने मुझसे कंसेंट पेपर साइन कराया था, मेरी जायदाद दे दे रहे हो, ऐसा कुछ बोला था ना? सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरा ट्रस्ट, मेरा भरोसा, आपने तो मुझे उन औरतों जैसे बना दिया जिससे जिनसे ना बस वो अंगूठा लगवा लो पेपर पे और हो गया, उनकी लाइफ के डिसीजन अंगूठे के बल पे होते हैं रमन, मेरे डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी लाइफ में मैं मां हूं रमन, मेरी जिंदगी के डिसीजन में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है, मतलब आपने पैसा लिया और मैं मान लूं आंखें बंद करके? और आप बताओ आज जाके ये सब सामने आ गया है, अगर ये सामने नहीं आता तो
कब तक छुपाने वाले थे आप इस बात को? तुम्हें लगता है इतनी बड़ी बात मैं तुमसे छुपा दूं? और क्या किया? लेकिन मनोज ने कहा था कि 6 हफ्ते लगेंगे जब तक बच्चा स्टेबल नहीं हो जाता। तुम्हारी उम्मीदें फिर से नहीं तोड़ना चाहता था मैं। आई एम सॉरी यार, मैं कमजोर लगती हूं। रमन, आपके सामने जो ईशिता खड़ी है ना, बहुत स्ट्रांग है ये लड़की। एक उम्मीद टूटने से मैं नहीं टूट जाऊंगी। मुझे वो दर्द मिलता ना बेहतर होता, लेकिन ये दर्द मैं नहीं सहन कर पा रही हूं। अपने पति के विश्वास के टूटने वाला दर्द। बोल लिया तुमने? क्या कहा तुमने कि जो इशिता खड़ी कमजोर नहीं, ये ताकतवर होने का नाटक है ना, तू उसे समझ पाएंगे? मैं नहीं। जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस बच्चे को खोने का गम से ज्यादा तुम्हें हुआ था। तुम्हारी आंखों में मैं देख सकता हूं कि प्यार करता हूं तुमसे। पल पल तुम्हारा दर्द महसूस करके मैं मरूं? आई गलती हो गई मुझसे कि तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। गलती हो गई, लेकिन जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए कुछ नहीं किया इस बार रमन, झूठ मत बोलो मुझसे। अभी आपने जो किया खुद की खुशी के लिए किया। मुझे भरोसा था आपके ऊपर। आप कहते थे कि आप मुझसे प्यार करते हो, मैं बच्चा नहीं भी दे सकूं तो भी प्यार वैसा का वैसा ही रहेगा। धीरे धीरे आप मेरे अस्तित्व को उस बच्चे के साथ तोड़ने दे रहे हैं। मेरी बात सुनो। बच्चा नहीं हो सकता तो मेरा अस्तित्व कहाँ? आप मुझे बच्चा देना चाहते थे रमन, मेरी बिना कंसेंट के? क्या हो आप, भगवान हो? तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें माँ बनने का सुख देना चाहता था। मेरी कंसेंट के बिना नहीं दे सकते रमन। कंसेंट मांगी थी, दी थी तुमने। तो कंसेंट नहीं दी तो क्या ऐसे जबरदस्ती मुझे माँ बनाओगे रमन? What are you? मैं बाजू और पहली बार एहसास हो रहा है आपके कारण की। हाँ ये जो दुनिया बोलती थी ना तुम्हें, वो आज आपने महसूस कराया है। नहीं कर पाया। ये दुनिया के मुंह पे थप्पड़ था कि मेरी बीवी 5 नहीं है पर अपना बच्चा हो सकता। कैसी औरत हो तुम? शर्म नाम की चीज है कि नहीं तुम में? सब लोगों ने इतना कुछ सुना दिया फिर भी यहीं पे खड़ी हो, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग नाराज हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया इशिता और रमन के लिए किया। अब रमन को यही सही लगा कि आप लोगों को इस वक्त सच नहीं बताया। That's not my fault, मेरी गलती नहीं है। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस हालत में कहाँ जाऊँ? मुझे उस घर से भी निकाल दिया, उस दिन सिमी पता नहीं क्या क्या बोल के गई। अब प्लीज अंडरस्टैंड, अब इशिता और रमन के बच्चे होने तक मैं यही रहूंगी। क्या तू 9 महीने इस घर में रहेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। और 9 महीने तो क्या, मैं तेनो 9 मिनट भी इस घर में नहीं देख सकती। रमन तो पागल हो गया है बच्चे के पीछे, पर मैं तेरी एक एक रग पहचानती हूँ। तुम जैसी औरतें कभी नहीं बदलती शगुन। हो सकता है कि पटर्निटी रिपोर्ट में लिखा है कि वो रमन का बच्चा है, लेकिन हूँ तुमने वहाँ पे भी हेरा फेरी कर दी होगी। कैसे बिलीव कर सकते कि ये रमन का ही बच्चा है? हाँ बोलो, किसका बच्चा है ये? तरीका गलत था लेकिन इरादे गलत नहीं थे। उसने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, ठीक है। मैं शगुन में रहूं चाहिए, लेकिन एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के सोचो मैं क्या करता। तुमने आखिरी उम्मीद खो दी थी अपने बच्चे की। तुम अच्छा कहते हो, तुम्हारे सारे तर्क मैं समझ सकता था, सुन सकता था। कभी भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि इस घर में हमारा बच्चा है, तुम्हारा और मेरा। सच बोल रही है तू, ये जरूर किसी और का बच्चा है जो ये हमारे सर थोप रही है। पर शगुन तेरा क्या है, किसी का भी बच्चा होएगा ये, और वो छोड़ के चल दिया होएगा तो तूने अपनी सच्ची झूठी कहानी सुनाकर रमन को फंसा लिया, ताकि एक तरफ तो तू हमारे ऊपर एहसान जता ले और दूसरी तरफ तू इस घर में घुस आए।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।